पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ड्रैकुला ने अपने पोते डेनिस को वैम्पायर बनाने के लिए कितना कोशिश किया था, लेकिन डेनिस वैम्पायर नहीं बन सका था। उसके बाद ड्रैकुला जल्दी से डेनिस को अपने किले में लेके जाता है, जहां मेविस ड्रैकुला को बहुत डांटती है। उसके अगले दिन डेनिस का जन्मदिन होता है, जिसमे जोनी के परिवार वाले भी आए होते हैं। वहीं मेविस ने अपने दादा को भी बुलाया होता है, जो ड्रैकुला के पिता होते हैं, और उन्हें इंसानों से बहुत नफरत होती है। इसीलिए ड्रैकुला जोनी और उसके परिवार वालों को नकली कॉस्ट्यूम पहनवा देता है। तभी वहाँ मेविस के दादा आ जाते हैं और वो अपने परपोते को जादू दिखाने लगते हैं, जिससे डेनिस काफी ज्यादा डर जाता है और जोनी और मेविस आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे मेविस के दादा को पता चल जाता है कि जोनी एक इंसान है। दूसरी ओर डेनिस अपने किले से भागकर अपने दोस्त के घर चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बुरा वैम्पायर आकर डेनिस और उसके दोस्त को मारने लगता है। तभी डेनिस एक वैम्पायर में बदल जाता है, फिर ये उस बुरे वैम्पायर की खूब पिटाई करता है।